रीवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में राजस्व तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पंचायतों के उप सरपंच तथा नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के चुनाव के संबंध में निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को प्रथम सम्मेलन आयोजित करें। इसकी लिखित सूचना सभी संबंधित एवं निर्वाचित सदस्यों को अनिवार्य रूप से दें। जिस कक्ष में चुनाव की कार्यवाही होगी वहां निर्वाचन से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी तथा केवल निर्वाचन में शामिल होने वाले नव निर्वाचित पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। उनके साथ किसी भी सहयोगी, समर्थक अथवा रिश्तेदारों को कक्ष में प्रवेश न करने दें। कार्यवाही के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नियुक्त वीडियोग्राफर से वीडियोग्राफी कराएं। अन्य किसी व्यक्ति को वीडियो बनाने की अनुमति ना दें। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन के दौरान प्रत्येक केंद्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होने से 30 मिनट पहले सदस्यों को कक्ष में प्रवेश दें। जिस व्यक्ति को निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी हुआ है उसे ही कक्ष में जाने की अनुमति दें। नामांकन दाखिल करने, उनकी जाँच, मतदान करने वालों की सूची बनाने के लिए छोटे छोटे अंतराल से समय निर्धारित करें। मत पत्र कक्ष के अंदर ही तैयार कराएं। उसमें अधिकारी यूनिक कोड नंबर दर्ज करें। मतदान के लिए छोटे बॉक्सों का उपयोग करें। मतगणना संपन्न होने के बाद निर्वाचित पदाधिकारी को प्रमाण पत्र प्रदान करें। प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय भी केवल निर्वाचित पदाधिकारी ही उपस्थित रहेंगे। अन्य किसी व्यक्ति को फोटो फ्रेम में न आने दें। सुरक्षा की दृष्टि से यदि आवश्यक प्रतीत हो तो कक्ष के अंदर मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित किया जा सकता है। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी बिना किसी दबाव के निर्भय होकर निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कराएं। निर्वाचन कक्ष में आवश्यक कर्मचारी तैनात रखें। किसी भी अवांछित व्यक्ति को कक्ष में प्रवेश न करने दें। सभी SDM तथा SDOP अपने अपने अनुभागों में कानून और व्यवस्था की निगरानी कर लें। यदि कोई व्यक्ति इन चुनावों को किसी भी रूप में प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करें। निर्वाचन कक्ष में ऐसी व्यवस्था करें कि चुने हुए सदस्य निर्भय होकर तथा बिना किसी दबाव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर सकें। बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि जिस तरह पंचायत और नगरीय निकायों के मतदान और मतगणना का कार्य शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है उसी तरह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी संपन्न होगा। हर केंद्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। कानून और व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। पूरे जिले में निर्वाचन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी AK झा, सभी SDM, SDOP, तहसीलदार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।